यूपी के गोंडा में महज 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने अपने आविष्कार से सबको चौंका दिया है। होनहार हर्षित ने एक सस्ता और देसी कोल्ड स्टोरेज का मॉडल बनाया है। हर्षित का दावा है कि इससे किसानों को कोल्ड स्टोरेज में आलू को रखने की जरूरत नहीं रहेगी। देश है और यहाँ के किसान बहुत गरीब है, तो मैंने ये गरीब किसानों के लिए बनाया। जैसे उन्हें इसमें क्या करना होगा, पहले 10 फीट का गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद 2 फीट तक बालू भरेंगे, उसके ऊपर आलू, फिर बालू, फिर आलू। यह प्रक्रिया हमारी जब तक चलेगी जब तक गड्ढा भर न जाए, और जो गड्ढा भरे तो मैं ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर हमारा बालू हो, तो बालू से जो होता है मौसम के अनुकूल होता है, दिन में गर्म रात में ठंडा, तो इससे हमारा आलू खराब नहीं होगा। आलू नहीं खराब होगा तो किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके बगल हम 2-3 फीट चौड़ा छोड़कर जमीन, उसके बगल 2 फीट या 3 फीट चौड़ा अपने हिसाब से हम 9 फीट गहरा गड्ढा खोद देंगे जिसमें हम बालू भर देंगे। और जब बालू भरेंगे तो हमारा मतलब जो बाहरी नमी है वो प्रवेश नहीं करने पाएगा और माला आलू सुरक्षित रहेगा। अगर आलू सुरक्षित रहेगा तो इससे किसानों का बहुत ज्यादा फायदा होगा, उन्हें कोल्ड स्टोरेज में दूर लाइन नहीं जाना पड़ेगा। और फिर ये हर गरीब अपने घर पर स्वयं भर सकता है, और फिर इससे ये इससे पैसा भी कमा सकता है, इससे आर्थिक स्थिति भी जोड़ा जा सकता है। जैसे अपने घर पर 10-5 गड्ढा खोल ले और बगल वाला किसी कारण वह नहीं कर पा रहा है, बीमार है, तो इसके घर पर रखवा देगा और ये उसे 200-100 रुपए महीने लिया करे, तो इससे इसका मतलब लाभ भी होगा, आर्थिक स्थिति भी चल सकेगी और इसकी कमाई भी होगी, उपज सही रहेगा। इस देसी और सस्ते कोल्ड स्टोरेज के लिए 10 फीट का चौकोर गड्ढा खोदकर तैयार किया जाता है। उस गड्ढे के चारों तरफ 2 फीट दूर एक 2 फीट का बड़ा गड्ढा और खोदा जाता है। इसमें पूरा बालू भर दिया जाता है, फिर बड़े गड्ढे में पहले 2 फीट बालू भरा जाता है, फिर आलू भरा जाता है, उसके ऊपर फिर बालू की मोटी परत भरी जाती है, उसके ऊपर फिर आलू। इस गड्ढे में ऊपर से 1 से 1.5 फीट तक बालू भरी रहेगी। इस उपाय से काफी समय तक आलू को सुरक्षित रखा जा सकता है। जी मेरे दिमाग में आया, हम लोग एक बार गांव में खेल रहे थे तो लोगों के संग मस्ती मस्ती में हम लोगों ने एक गड्ढा खुदा हुआ था, उसमें बालू भरा हुआ था, हम लोगों ने आलू उसमें डाल दिए दूसरे का चुरा कर, और फिर 2-3 किलो डाल दिया तो उसमें देखा, फिर हम लोग डाल के और फिर ऊपर से बालू से हम लोगों ने उसे मतलब बंद कर दिया। फिर हम लोगों ने भूल गए, हम लोग बहुत दिन बाद याद आया 2 साल बाद, तो वो मतलब जो हम लोगों ने मतलब उसको निकाला तो देखा आलू वैसे की वैसे रह गया और फिर प्राकृतिक से जैसे पैदा हुआ था वैसे ही बना रह गया। जिस स्टूडेंट ने इस मॉडल को बनाया है वो अभी 9वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा है और इसके आविष्कार ने सभी को चौंका कर रख दिया है। वाकई इससे सस्ता कोल्ड स्टोरेज कहीं भी बनाना मुश्किल है।